रोहतक जिले में कुछ शातिर ठगों ने एक एनआरआई को चकमा देकर गाड़ी के अंदर रखा बैग उड़ा लिया। बताया जाता है कि एनआरआई उदय कुमार सिंह यातायात थाने के पास ही अपनी गाड़ी खड़ी कर एक ज्वेलरी शॉप में खरीदारी कर रहे थे। खरीदारी के बाद उदय कुमार सिंह जब अपनी गाड़ी में सवार होकर जाने लगे तो कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी के नीचे तेल फेंक दिया और गाड़ी के ड्राइवर को तेल लीक होने का इशारा किया। बदमाशों के इशारे में आए ड्राइवर और पीड़ित उदय कुमार सिंह जब नीचे उतरकर गाड़ी को देखने लगे तभी बदमाशों ने गाड़ी में रखा बैग निकालकर फौरन ही फरार हो गए। वहीं पीड़ित उदय कुमार सिंह ने बताया कि बैग में पासपोर्ट, वीजा, एटीएम कार्ड सहित कुछ अमेरिकी डॉलर, ज्वेलरी और कपड़े रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि अमेरिका की एक कंपनी में वो बीते 20 साल से काम करते हैं और किसी काम से वे अपने पैतृक गांव टिकारी आए हुए थे। घटना हुआ है, घटना ये हुआ कि हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और हमारे गाड़ी के पीछे बैग था, उसमें हमारा अमेरिकन पासपोर्ट है, OCI है और दो साड़ी उसके बगल में था, बैग मतलब सीट के ऊपर ही था और एक ज्वेलरी है, पायल है जो यहाँ मंगलम ज्वेलर से मैंने लिया हुआ था, 5200 रुपये का पायल है, वो सब सामान था, उसमें कुछ डॉलर रुपये भी थे। और क्या हुआ, एक आदमी उधर से पूरब दिशा से आया हमारे गाड़ी के सामने, वो इंडिकेट करने लगा कि कुछ गिर रहा है, तो मेरा भाई खोल के बोला क्या हुआ क्या, वो मुँह पर हाथ रखा हुआ था और वो बोला मोबिल, तो मेरा भाई देख बाहर गए कि मोबिल कैसी पुरानी गाड़ी है, अभी महीने दिन पहले गाड़ी लिया है। और फिर मैं भी उधर से उतरा और उतरे में हम लोग देखने लगे कि मोबिल चू कहाँ से रहा है, हमारे ध्यान को बता दिया और फिर दरवाजे खोल करके और बैग को गायब किया। उतना ही में तब तक मैं पीछे आया तो देखा कि बैग बस यही था। कितने लागत का होगा आपका सामान? लागत क्या बोले, हम लागत क्या बता सकते हैं कि कितने का होगा, जैसे 200 डॉलर के आसपास डॉलर थे तो डॉलर का रेट 85 का है तो 8 दिन 16-17 हज़ार रुपया वो होगा समझ लीजिए, और प्लस साड़ी 2000 का था, 4000 वो होगा और प्लस 5200 का मैंने अभी जस्ट पायल लिया था तो मेरे पास रिसीट भी है, दिखाएंगे जरा भी जस्ट लिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार सिंह। कहाँ के रहने? टेकारी, यहाँ लोकल टेकारी, सिंह सागर के पास चेनाई थाना में टेकारी पड़ता है, वहाँ मेरा घर है और पैतृक गांव है। ऐसे मैं 24 साल हो गया अमेरिका में रहते हैं। इधर घटना की सूचना पाते ही DSP दिलीप कुमार ने मौके पर आकर जांच पड़ताल की। उन्होंने मौके के आसपास के दुकानों में लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि पीड़ित के आवेदन पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है लेकिन NRI से लूट की चर्चा शहर के हर चौक चौराहों पर हो रही है। पंजाब केसरी TV के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।